हेलो यू व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ठीक होंगे। तो गाइस आज तुम्हारा भाई फिर से खेल रहा है माइनक्राफ्ट बट नॉट सर्वाइवल का, क्योंकि गाइस आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए पीवीपी का वीडियो लेकर आया है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी पीवीपी वीडियो तो तुम्हारा भाई ने बना दिया है। एंड देन गाइस मुझे पता है बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई है उसके एग्जाम्स चल रहे थे। एंड देन तुम्हारे भाई की नई नई सेटिंग हुई है, वो सॉरी नहीं गाइस, नहीं ये सेटिंग वेटिंग नहीं हुई तुम्हारे भाई की। हाँ तो गाइस हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम तो मुद्दे पे चलते हैं। तो गाइस आज तुम्हारा भाई ये तो पीवीपी करने आया हुआ है, तो भाई मैंने लक्ष्मण भाई को कॉल वॉल कर दिया है, तो वो अपने आ रहे हैं। देखते हैं भाई लक्ष्मण भाई का क्या सीन शॉट है। तो गाइस आज की जो पीवीपी है वो थोड़ी बहुत अलग होने वाली है, ये देख ही सकते हो। तुम्हारे भाई ने मतलब पूरा जुगाड़ कर रखा है, क्योंकि भाई मैंने सोचा था कि अपन डायमंड आर्मर से फाइट करेंगे, तो भाई डायमंड आर्मर 1.19 पॉइंट में भाई बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई डायमंड मिलते ही नहीं है भाई जल्दी से। तो इस वजह से मैंने थोड़ा पहले जुगाड़ कर लिया है। अंदर हमारे लक्ष्मण भाई है वो भी आ चुके हैं, तो भाई ये तीन चेस्ट इस वजह से, क्योंकि छोटा भी आने वाला था बट वो नहीं आया भाई, क्योंकि वो कुछ और गेम खेल रहा था, इस वजह से उसने मना कर दिया। तो ये गाइस ये मैंने पूरा जुगाड़ कर रखा है, तो मैंने ये भी देख सकते हो दोनों तीनों चेस्टों में सेम सामान है, किसी में भी कुछ ज़्यादा कम नहीं है। तो हम तीनों ने भाई सॉरी हम दोनों ने भाई पूरा पूरा अपना आर्मर पहन लिया है। एंड देन गाइस अब हमारे को एक छोटा सा ट्विस्ट जो कि इस पूरे वीडियो को चेंज कर देगा भाई, एक नया मोड देगा पीवीपी के अंदर। क्योंकि गाइस पीवीपी में हमें एक दूसरे को मारते भाई उससे ज़्यादा कोई मज़ा नहीं आता, तो हमने सोचा भाई हमारे दुश्मन है वो बढ़ने चाहिए। तो गाइस आप तुम्हारे भाई जा रहे ऊपर की तरफ, तो अब देखना भाई तुम्हारे भाई के सामने तेरी माँ का। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो सामने भाई, मतलब क्या बोलूँ आपको भाई, 50-60 से ज़्यादा भाई इनको प्लेजर्स और इवोकर्स देख रहे हो गाइस तुम्हारे भाई के सामने, और ये तुम्हारा भाई अकेला खेल रहा भाई इनको, क्योंकि लक्ष्मण जी हैं उनको तो भाई बार बार डिस्कनेक्ट हो जाते थे, क्योंकि भाई वो पता ही नहीं क्या बोले उनको यार, वो गलती मेरी थी, क्योंकि भाई इसमें ना बार बार 7 क्यूट कर रहा था, इस वजह से वो डिस्कनेक्ट हो जाते थे। बट तुम्हारे भाई ने भाई इनको बराबर की टक्कर दी, इन्होंने ईले वेले क्या बोलते हैं भाई, इन्होंने सब छोड़ दी भाई। पर तुम्हारे भाई ने भाई करते ही मतलब कहते हैं जिसको हिम्मत इसकी बहन को नमन 001 वो पूरी दिखाई भाई, करते मतलब डरा नहीं भाई मैं इनसे, मैं अकेला था भाई, मेरे को मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला इनसे भिड़ा। वो देख ही सकते हो भाई तुम्हारा भाई इनका स्वर भर रहा है तगड़े तरीके से, वो बात अलग है कि हाँ मेरे भी जो दो चार चाटे पड़ी हैं, दो चार नहीं ज़्यादा ही पड़े। तो गाइस मुझे यहाँ पर टोटम से उनकी तो कोई कमी होने वाली नहीं थी, वो तेरी माँ का जादू मंत्र को कौन सा काला जादू कर रहा है, इस काला जादू समझ रहे हो, ये काला जादू बहुत ख़राब वाला है भैया। तो गाइस तुम्हारे भाई के पास टोटम आ रहे हैं, और तुम्हारे भाई का एक टोटम है, वो भाई तोड़ दिया रे, तोड़ दिया टोटम तेरी माँ का। तो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं है, उन्होंने मेरा टोटम तोड़ा, मैं इनकी गांड तोड़ूंगा, देख सकते उनको तेरी माँ का। हाँ चल बेटा उनका। तो गाइस हमारे लक्ष्मण जी है वो भी पधार चुके हैं एक तरीके से, देखते भाई ये क्या करते हैं। तो भाई अभी भी मुझको यही बोला भाई मेरे को भी आने में टाइम लगेगा, तो जब तक उन सबको मार दे भाई तू आए मत ना भाई, मैं ही मार दूंगा ना भाई, तू आए मत यार छोड़ भाई। तो गाइस यहाँ के जितने भी प्लेजर्स थे वही जो वोकर्स थे भाई, ये तुम्हारे भाई ने मारे, उसने कुछ नहीं करा, बस वो भाई आया है उसने एक या दो मारा है ना, और अब भाई उसके बाद क्या कहता है भाई मेरे को टोटम चाहिए तेरी गलती की वजह से, मैं 70 शूट हुआ था। हाँ भाई सही बात है, मेरी गलती की वजह से बात तेरे को देंगे भाई, टोटम देंगे तेरे को, टोटम देंगे आ जा। अभी साले वो मेरे टोटे टोटे कर देते तो वो तो गाइस मेरे पास आर्मर वगैरह बढ़िया, वरना मेरे को तो पेल जाते भाई, वो कब की पेल जाते। देखा आपने भाई कितनों के बीच में तुम्हारा भाई अकेला खड़ा था भाई, इस बात के लिए एक लाइक हो जाना चाहिए। बस इतना काम होने के बाद हमारे को एक छोटा सा मतलब कि नेदर जो स्टार होते हैं वो लेके आने थे, तो वो कहाँ पर रखेंगे मुझे भी नहीं पता, वो एक कोऑर्डिनेट्स पर रखें, उस कोऑर्डिनेट्स एक बुक में लिखे हुए हैं। तो अब हम दोनों भाइयों को वो बुक लेने जाना होगा, उस बुक में से निकालना होगा कि भाई क्या सीन होते हैं उस बुक में, तो वो मुझे नहीं पता भाई इसके क्या कोऑर्डिनेट, तो हम चलते हैं एक बार और वो बुक है उसको लेकर एक बार पढ़ते हैं कि भाई क्या सीन होते हैं उसके अंदर। तो गाइस वो बुक ये वाली है, और इसमें देखते हैं भाई क्या कोऑर्डिनेट वगैरह लिखे हुए हैं, एक सेकेंड। तो गाइस इसमें लिखे हुए हैं 104 और 395 वाई वाले हैं, तो ये वाई वाले के लिए गाइस जेड वाले होने चाहिए थे, मैंने तो कुछ गलती कर दी, चलो छोड़ो भाई इस बात को। तो आगे पीछे के मुझे कोऑर्डिनेट मिल चुके, तो गाइस मैं फटाफट से निकल चुका था उन नेदर स्टार्स को लेने, बट इसी बीच में वो नेदर स्टार्स मिल जाते हैं हमारे लक्ष्मण भाई को, तो भाई मैं इनको बोलता हूँ। तो गाइस अब आपने इसने ले लिया है, तो मैंने सोचा चलो गाइस चलते हैं इसके पास, इसको पेल देते हैं। अब भाई ये क्या बोलता है कि भाई रुक जा मैं इन जोम्बी को मारूं, भाई मुझे तो जीतना है, तो मैं भाई रुकने वाला नहीं हूँ, मैं इसको पेल देता हूँ सिंपली। और गाइस इसको पेलने के लिए तुम्हारा भाई ज़्यादा मेहनत नहीं करता, एक स्वेड में तो भाई इसका तैयार हो जाता है, तो और भाई ये हो जाता गुस्सा,
क्या ऐसे थोड़ी होता है, मैं तेरे को मना कर रहा था ना, मेरा फ़ोन लेक कर रहा था ना, फलाना ढिकाना पे, कि तेरी बहन की आँख यार, इनका ये अलग ही भाई रोना लगा देता भाई, सच्ची में इतना गलत लगता है ना मुझे स्क्रीनशॉट, बहुत गलत वाला। उसके बाद गाइस मैंने भी थोड़े बहुत जो भी हमको आशीर्वाद वगैरह दिया, क्योंकि भाई वो बहुत दिनों उनको प्रसाद वरसाद लिए हुए मैं से, गाइस मुझको खुद को पर्सनली माइनक्राफ्ट खेले हुए 5-7 दिन से भी ज़्यादा 10 दिन निकल गए मेरे। लास्ट टाइम मुझे याद भी नहीं मैं कब खेला था, एक SMP में खेला था, वो SMP मेरी थी। तो उसके बाद गाइस ये वापस आ चुका था, इसको मैंने अपना आर्मर वगैरह है, इसका आर्मर वगैरह सॉरी जो दे दिया था, उसके बाद हमने फाइट करना स्टार्ट कर दिया था। तो गाइस अब हमारी जो PvP स्किल्स है वो दिखने वाली, कि भाई किस में कितना दम है, और तो जो भी है भाई अब देखना तुम्हारा भाई कितना जल्दी इसको पेलता है, इसकी माँ की भाग 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 शेर है शेर चलती माँ को करवा दे क्या तीन भाई इसको। ये तो गाइस मैं ना इसके ना पर्सनल जो हम खेल रहे थे उस वक्त की रिकॉर्डिंग कर रहा था, बट इसके भाई क्या सीन है भाई, इसके फ़ोन के अंदर है ना वो रिकॉर्डिंग होती नहीं, इसके मतलब इससे बात करते हैं वो वाली रिकॉर्डिंग नहीं होती यहाँ पर, ये बहुत गलत चीज़ है भाई, इसकी फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती ब्रो, क्या बोले यार। तो गाइस तुम्हारे भाई के ना ये ले भाई, इसने टोटम ही बहन टोटम तोड़ दिया भाई, इसकी माँ का रुक जा गाइस, मेरे को पानी में जाना होगा, क्योंकि भाई मेरे को ना फायर एक्सेप्ट वाली है ना जो स्वेड होती है ना अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों भाई, क्योंकि गाइस ये ना अलग मतलब डैमेज देती रहती, इसके ये सीन गलत लगता है मेरे को। बस ऐसे ठीक है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे एक नंबर है, बट ये भाई फायर का वो देती रहती है ना, ये मुझे ख़राब लगती है। बट भाई लक्ष्मण जी कहाँ जा रहे हो, सुतरी के रुक जा, नहीं रुकेगा भाई ये नहीं रुकेगा, क्योंकि भाई इसको पता है कि भाई इससे ना हम पानी में नहीं बैठ सकते, क्योंकि हर बार है गाइस इसके पास है ना फायर एक्सेप्ट वाली स्वेड होती है, इस वजह से मुझको मार देता, वरना भाई ये मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम्हारा भाई ये ले तेरी माँ का, रुझा पूछा कहाँ गया और बकरा। अब गाइस ये है ना इसके बता ये आदत है, अब क्या बोला वापस बोल देगा इसकी, रुक जा मैं कहीं जा रहा हूँ भाई, इसके ना ये चीज़ तो मुझे इतनी ज़्यादा ख़राब लगती है ना, हर 2 सेकंड में तो रुकने के लिए कहता भाई ये, इतनी तो भाई कोई लड़की भी नहीं करती जितना ही करता थी। और भाई आते क्या बोलता, आ जा बिल्ले तेरी, देखो भाई मैं रुका हुआ था इतनी देर से है ना, बट ये आया इसने धरना स्टार्ट कर दिया, ऐसे भी नहीं कि हाँ भाई भाई को पहले एक बार मौका देना चाहिए स्वेड मारने का, हाँ वो बात अलग है, मैं इसको मौका नहीं देता मारने के लिए, मैं तो पेल देता, बट इसको तो देना चाहिए ना भाई। अब इसकी गांडी गांड पे दूंगा तीन, भगले बेटा भाग 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 स्वामी भाग। गाइस अब मैं लक्ष्मण को भगा रहा था, बट यहाँ पे मौका उल्टा हो गया, वो मेरे पीछे पड़ गया, क्योंकि मेरे हार्ट से वो कम हो गए थे इस केव में गिरने की वजह से। मैं सोचा भाई मैं पार्कोर कर लूँगा, बट वो कहते हैं भाई कि प्रो प्लेयर की चोरी नहीं बनना चाहिए, बट किस्मत बहुत कुत्ती चीज होती है जो बहुत तगड़ी होती है, जो मेरी काम करी, अगर गलती से गाइस ये मेरे ऊपर होता तो ये भाई मेरे को 2 स्वेड मारता ना, मैं घल जाता भाई, सच्ची में बता रहा हूँ ये ख़त्म कर देता मेरे को, बट किस्मत का ये भाई इतनी बावड़ी गांड है ना, ये खुद ही नीचे गिर गया भाई, क्या ही बोलूँगा, क्या भाई क्या आदमी है ये, रुक जा तेरी तो रुक जा। एंड भाई इसके पास थे जो एरो वो कुछ अलग वाले एरो थे, अब आप सोचेंगे भाई अलग वाले एरो क्या मतलब, इस अलग वाले एरो कैसे थे वो भी आपको पता लगेगा। तो गाइस यहाँ पे मैं छोटा सा शेल्टर है वो बिल्ड कर रहा था, ताकि भाई मैं बच सकूँ इससे इसके एरो से, क्योंकि भाई एक मतलब एक जगह होती है ना जिसमें अपन बच कर आराम से फाइट कर सके, क्योंकि गाइस ये नीचे की तरफ था और ये मुझे इतना अच्छे से ना मतलब दिख भी नहीं रहा था, तो जैसे ऊपर आने की करा क्या बोला भाई मैं ऊपर आऊँगा ऊपर आके बिल्ड है बराबरी का मुकाबला, बोले नहीं करना भाई तू गिरा वो तेरी गलती है मेरी गलती नहीं है भाई, सही बात है ना क्यों नहीं है। तो वैसे आप लोग देख ही सकते हो इसकी जो एरो है अभी ये तेरी बहन करो, तो वैसे इसकी एरो है वो थोड़ी वो कहते हैं उसको शायद तक विदर वाली एरो वगैरह है, मतलब ऐसा कुछ एरो टाइप है उसका भाई। वैसे ये बंदा है ना नीचे घुसा हुआ था और इसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी तुम्हारे भाई से इस वक्त पंगा लेकर भाई, क्योंकि भाई इस वक्त मैं एक अच्छे से कवर में था और मेरे पास ये एडवांटेज था, और यहाँ पर तुम्हारे भाई ने इसके दिए भाई भर भर के एरो, और इस वक्त मुझे पता लग गया था कि इसकी दम नहीं है, और ये भाई एग्जिट कर जाता है कि भाई मैं एग्जिट कर रहा हूँ मैं नहीं खेल रहा। तो गाइस ये वापस आता है एंड देन भाई मैं वो चला जाता है, तो इसकी जगह आ जाता है भाई हमारा छोटा भाई, तो वो मुझसे बोलता है कि भाई तेरे पास तो सब कुछ है मेरे को स्वेट दे उसके बाद बिड़ना, तो चल ठीक है तो स्वेट ले ले अब मैं तेरे को पेलता हूँ। तो गाइस इसको मैंने स्वेट दे, उसने मैंने मारा पहले और मैंने इसको एक दिया बेर बेटी और ये गया भाई।
उसको भाई एक सुई से ज़्यादा मारने का मौका मिल गया। तो इस बार की वीडियो में मैं चाहता तो भाई बहुत तगड़ा कर सकता था क्या करता भाई मैं। बट भाई पहले तो भाई हमारे जो स्वामी जी हैं इनके जो पता नहीं क्या नेट इशू था कि भाई क्या था मुझे खुद को पता नहीं चल रहा। मतलब ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे भाई। सिंपल सी बात तो मैं आपको बताऊं, ये पहली बात तो ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा माथाफोड़ी का काम था, ये ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे। और डायमंड आर्मर तो भाई डायमंड फाइंड करना तो तुम्हारे भाई के लिए एक तरीके समझ लो जैसे मेरी अभी सिंगल हूँ मैं, ठीक है गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, जैसे मैं अभी गर्लफ्रेंड फाइंड कर रहा हूँ ना और जो मुझे नहीं मिलती, ऐसे गाइस माइनक्राफ्ट में मुझे डायमंड भी नहीं मिलते बिल्कुल भाई। मतलब मैं ना मैं सिंगल हूँ कते क्या ही बोलूँ, इन दो चीज़ों से तुम्हारे भाई का दिल दुखता रहता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट जरूर से जरूर कर लेना। तो एंड देन गाइस तुम्हारे भाई तुम्हारे को एक बात बता देना चाहता है कि भाई तुम लोग माइनक्राफ्ट खेलते खेलते बोर हो जाते हो, तुम होते हो नहीं होते मुझे नहीं पता बट मैं हो जाता हूँ। तो कभी गाइस आपको एक एक चीज़ खिलाया जाए तो आप बोर हो जाओगे। तो गाइस मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि आप लोग मुझे अब कमेंट करो और जो भी गेम आपको पसंद है आप वो मुझे कमेंट करो, मैं अगले वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा। तो टाटा बाय बाय। और हाँ जिन 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 वीडियो को मतलब जो भी गेम होगा आप मुझे बताओगे उसके अंदर कमेंट्स आप लोगों के होंगे, अगर उस कमेंट में आपका गेम है अगर उसके नीचे कमेंट आ जाता है उसको रेटिंग मैं दूंगा, मतलब 10 नंबर्स की रेटिंग होगी और 10 नंबर में से 8 नंबर उसकी रेटिंग हो जाएगी तो मैं आप वाला गेम है जो आपको पसंद है जो आपने मुझे बताया है उसकी मैं एक सीरीज है वो चालू कर दूंगा। तो और जो आप वीडियो मतलब जो आप वीडियो गेम मुझे बताओगे उसका वीडियो मैं आपको हर संडे की संडे अपलोड करा करूँगा, जो आप लोग मुझे वीडियो गेम बताओगे मतलब कि आप मुझे कोई सा भी गेम बता सकते हो, एडवेंचर स्टोरी बेस्ड मतलब क्रिमिनल फ्रिमिनल भाई भांग भरोसा डेंटिस्ट का सुझाया कुछ भी बता देना भाई, तुम्हारा भाई हर एक वीडियो पे मतलब सॉरी हर एक गेम का वीडियो बनाएगा। बस ये याद रखना कि उसकी अगर रेटिंग अच्छी होगी तो मैं उसका सीरीज भी बना दूंगा। तो भाई इस बात का ध्यान जरूर से जरूर रखना और आप अभी मुझे कमेंट करके फटाफट बताओ आपको कौन कौन से गेम पसंद है।